न्याज बेग नहर में 16 साल लड़का गिरकर जान बहक। चमन का रिहायशी जेवर खान स्लिप होकर नहर में गिरा। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां। लवाहिकीन का मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज। हम दुनिया की किसी सुपर पावर का प्रेशर नहीं लेंगे, भारत धमकियां देगा तो सारी कौम सामने खड़ी है। उम्मीद रखता हूं भारतीय कयादत का तकब्बुर खत्म हो जाएगा। पाक भारत ताल्लुकात अच्छे होने से खत्ते में गुर्बत खत्म हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, बोले पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बेहतरीन है। आजादी के बाद हमारा नया माइंडसेट ना बन सका। नए पाकिस्तान का मतलब है नया माइंडसेट। किसी भी सरकारी मुलाजिम पर गलत काम के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। मुझे आपकी मुल्क के लिए जरूरत है। आपने कमजोर आदमी को ताकतवर से बचाना है। वजीर आजम इमरान खान का सरकारी मुलाजमीन से खिताब, बोले हम खैबर पख्तूनख्वा की तरह पंजाब को ठीक करेंगे। पूरे मुल्क की पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को सियासी असरात से पाक करना है। आपको किसी मसले का सामना हो तो अपने वजीर आला को बताएं। वजीर आजम की नए बलदियाती निजाम को आइंदा 48 घंटों में हतमी शक्ल देने की हदायत। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में पंजाब काबीना का इजलास। हुकूमत के 100 रोजा प्लान और नए बलदियाती निजाम पर मुशावरत। वुज़रा अवामी खिदमत पर फोकस करें। वजीर आजम इमरान खान, एंटी करप्शन का भी इजलास। कहा मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बड़ी वजह करप्शन है। वजीर आजम का LDA का रिकॉर्ड जलने के वाकयात का नोटिस। मामले पर GIT तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। भारत के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात के कायल हैं। भारत के हवाले से वजीर आजम इमरान खान की ट्वीट पर अफसोस हुआ। भारत से मुज़ाकरात के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कला गुजर सिंह ने इंतखाबी मुहिम भी चलाई। बोले जो हुकूमत चोर दरवाजे से आए वो मसाइल हल नहीं कर सकती। लोहारी में लीगी कारकुन हाफिज अयाज की जानिब से नाश्ते में भी शिरकत की। जमान पार्क में भी एहतजाज। केनाल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। जेल रोड अंडरपास बंद होने से मिनटों का सफर घंटों में तय हुआ, जबकि मॉल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस के मुतबादल इंतजामात ना करने पर मुसाफिर अजियत में मुब्तला। तकरीबन आधा घंटे से हो गए से आ रहे हैं सर, हम ठोकर न्याल बेग से आ रहे हैं। काफी ज्यादा देर होगी, हम इतने जलील हो रहे हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। हम काफी परेशान हैं। ये देखिए आपके सामने हालात हैं, जो ट्रैफिक के हालात हैं, मतलब यहाँ पेशेंट्स में इवन एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का जमान पार्क में एहतजाज। खवातीन ने केनाल रोड पर धरना दे दिया। पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान हाथापाई, द कंपेन। मुजाहरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। डिप्टी कमिश्नर से मुजाकरात के बाद मुजाहरीन मुंतशर हो गए। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोलना महंगा पड़ गया। अवामी रैला गवर्नर हाउस की झील का पुल बहा ले गया। गवर्नर हाउस में लोगों का रश। झील पर कायम पुल ज्यादा लोगों के चढ़ने से टूट गया। शहरी जजीरे में फंस गए, कश्तियों के जरिए निकाला गया। इंतजामिया ने झील को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। गुज़श्ता इतवार को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, आज मामला ठीक है। कौम में जज्बा और डिसिप्लिन मौजूद है। गवर्नर हाउस अवाम की मिल्कियत है।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगु, बोले पानी के मसाइल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा बल्दियाती निजाम आर्टिकल 148 की नफी करता है। वजीर आजम ने नए बल्दियाती निजाम के लिए तीन बुनियादी असूल तय किए हैं। विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तायुन भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने लाहौर पर 1 खरब से ज्यादा खर्च किया, फिर भी शहर डूब जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगु, कहा नवाज शरीफ का सियासी और जाती दोनों मुस्तकबिल मख्तूश नजर आ रहे हैं। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाकर अपने स्कैंडल से तवज्जो हटाना चाहता है। पंजाब में नया बल्दियाती निजाम ला रहे हैं। नए बल्दियाती निजाम में पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे। वजीर आजम 100 रोजा प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक संजीदा हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगु, कहा शहबाज शरीफ ने 5 साल में इश्तहारात पर 53 अरब रुपए खर्च किए। करप्शन को छुपाने के लिए इमारतों में आग लगाई गई। हुकूमत का कब्जा ग्रुपों और तजावुजात के खात्मे के लिए बिला तफरीक ऑपरेशन का हुक्म। पुलिस और दीगर महकमे भी LDA की मुआवनत करेंगे। पंजाब में मजमूई तौर पर 25 लाख घर और फ्लैट तामीर किए जाएंगे। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगु, ऑपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। बोले अपनी दाल रोटी बंद होने के खौफ से ऑपोजिशन अवामी मंसूबों पर तनकीद कर रही है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के वाइस चेयरमैन बनाने का मामला, तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार। शुएब सदीकी की शेख इम्तियाज को वासा, मेहर वाजिद को PHA और आजासिम शरीफ को LDA का वाइस चेयरमैन बनाने की सिफारिश। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुखालफत कर दी। महमूद रशीद यासिर गिलानी को LDA, मियां हारून को PHA का वाइस चेयरमैन बनाने के ख्वाहां। वजीर आला पंजाब नामों की मंजूरी वजीर आजम से लेंगे। लक्ष्मी चौक में खाने पीने के होटलों और दुकानों पर गिरा फरोशी, जिला इंतजामिया का सख्त कार्रवाई का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर खावर बशीर की बट कड़ाही पर कार्रवाई। सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया ना देने पर मालिक शहजाद बट को 3 रोज कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा। एशिया कप का सुपर फोर मरहला, भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय सूरमाओं ने 238 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। शहर में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से बारिश का स्पेल जारी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार, बारिश से दरियाई रावी और चनाब में सैलाब का खतरा। फ्लड वार्निंग जारी, रावी के किनारे मुकीम अफराद को मोहतात रहने की हदायत। खातून अव्वल बुशरा बीबी की फाउंटेन हाउस आमद, फराह खान भी हमरा। बुशरा बीबी की बुजुर्ग खवातीन से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट, लाहौर के 7 इम्तिहानी मराकज में 19,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने मेडिकल एंट्री टेस्ट दिया। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक का पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी सेंटर का दौरा, मेरिट को हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। प्रोफेसर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। पुलिस डॉल्फिन फोर्स और पीरू से कैसे बचना है, चोरों ने तरीका ढूंढ निकाला। मुलजिमान की निशानदही के लिए लगाए गए सेफ सिटीज के जदीद कैमरों की बैटरियां चोरी हो गईं। चोरी की वारदात रायवंड के इलाके में हुई। चोर 5 लाख मालियत की बैटरियां ले उड़े, कैमरों ने काम करना छोड़ दिया। ट्रैफिक कवानीन का रखे ध्यान, वरना ऑनलाइन हो जाएगा चालान।
सेफ सिटी अथॉरिटी और सिटी पुलिस का मुश्तरका मंसूबा तैयार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बनेगी तस्वीर और चालान की पर्ची पहुंचेगी घरों में। मोटरसाइकिल सवार भी खबरदार, हेलमेट पहने वरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना। जबकि ट्रैफिक चालान का बम भी है तैयार। कानून शिकनी पर मोटरसाइकिल सवार से 2000 और गाड़ी चलाने वाले को 10000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। डीआईजी ऑपरेशंस ने मुरासला सीसीपीओ को भिजवा दिया। तेरी तारीफों के तो पुल बांधूं, पर तुझे पहले अपने बारे में क्या। एएसएफ की खातून अहलकार के बाद लाहौर पुलिस का अहलकार भी अदाकारी का शौकीन निकला। ड्यूटी के वक्त वीडियोस बनाकर अपलोड करने लगा। पीरू फोर्स के जवान शुएब का सरकारी गाड़ी में भारतीय गानों पर रक्स। बावर्दी अहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट का मातहत अदालतों के लिए एक और बड़ा कदम। पुराने रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने का फैसला। रिकॉर्ड महफूज बनाने के लिए अदालती अहलकारों की आइंदा हफ्ते से तरबियत की जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अहलिया का बेटियों के हमरा SOS विलेज का दौरा। बेसहारा बच्चों और बच्चियों से मुलाकात खुल मिल गई। बच्चों ने मेहमानों को तिलावत कुरान पाक और मिली नगमे सुनाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की अहलिया का कहना है कि बेसहारा बच्चों का सहारा बनने से दीनों दुनिया दोनों मिलते हैं। दीगर शहरों में भी ऐसे इदारे बनने चाहिए। स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे की तजवीज। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का सड़कों पर आने का ऐलान। सदर शबीर अहमद हाशमी कहते हैं कम दर्जा फीस स्कूल्स का कत्लेआम बर्दाश्त नहीं। फैसले से स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब एसोसिएट क्लास के इंतखाबात। आवाज ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर लिया। एसोसिएट क्लास की चारों नशिस्तों पर मैदान मार लिया। आवाज ग्रुप ने 228 पैनल वोट हासिल किए जबकि आजाद उम्मीदवार सिर्फ 14 वोट ले सके। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारपोरेट क्लास की 7 नशिस्तों पर बड़ा मुकाबला। पियाफ फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के उम्मीदवार मदे मुकाबल। पोलिंग आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।